है एवरी वन दिस इज एडवोकेट फरहीन हीन अंसारी एंड वेलकम बैक आज के इस वीडियो लेक्चर में वी शैल अंडरस्टैंड अ वेरी ईजी टॉपिक ऑफ़ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट सरप्राइजिंगली आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट न जानते हुए भी काफ़ी बार एंटर किया होगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद यूल बी वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट

अब ये डिलीवरी क्यों हो रहा है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस और जब ये पर्पस पूरा हो जाएगा तो या तो ये गुड्स वापस रिटर्न किया जाएगा उस पर्सन को जिसने उसे डिलीवर किया या फिर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उस पर्सन की डायरेक्शन के अनुसार जिसने गुड्स डिलीवर किया था लेट्स अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। से यू हैव अ पीस ऑफ अ क्लॉथ जिसका आपको शर्ट बनाना है आपको वो पीस ऑफ क्लॉथ टेलर के पास लेकर जाओगे टू स्टिच अब ऑफ कोर्स टेलर को स्टिचिंग के लिए आपको वो पीस ऑफ क्लोथ हैंड ओवर करना होगा यानी डिलीवर करना होगा दिस इज कॉल्ड एज बेलमेंट क्यों हैंड ओवर किया फॉर द पर्पज ऑफ स्टिचिंग अ शर्ट और जब शर्ट सिल जाएगा तो टेलर वो शर्ट आपको आपके डायरेक्शन के अनुसार वापस करेगा बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट इन बेलमेंट देर आर टू पार्टीज एक वो जो अपना गुड्स सामने वाले को डिलीवर या हैंड कर रहा है जिसे कहते हैं बेलर एंड वो जो बेलर से गुड्स रिसीव कर रहा है उसे कहते हैं बेली अब ऊपर टेलर वाले एग्जाम्पल में आप गुड्स यानी वो पीस ऑफ क्लॉथ डिलीवर कर रहे थे यू आर द बेलर एंड टेलर जिसको वो गुड्स डिलीवर हुआ विल बी कंसिडर्ड एज बेली अब देर आर टू काइंड्स ऑफ बेलमेंट वन इज कॉल्ड एज ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट एंड द अदर इज कॉल्ड एज नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फ्री में किया जा रहा है यानी विदाउट कंसिडरेशन दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटिट्यूज बेलमेंट एंड जिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड एज नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट अब वो टेलर वाले एग्जाम्पल में क्या वो टेलर आपको फ्री में शर्ट स्टिच करके देगा नहीं ना तो दैट बेलमेंट इज रेफर टू एज नॉन ग्रेटिट्यूज बेलमेंट अब से फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेट कैट एंड नाउ दैट आई एम ट्रैवलिंग फॉर फ्यू वीक्स टू डेली मैं मेरी पेट कैट को मेरे नेबर के यहाँ रख दूंगी अब बच्चों यहाँ मेरी कैट को आई एम हैंडिंग ओवर टू माई नेबर फॉर द पर्पज़ दैट आई एम नॉट देयर और इसका ख्याल रखना और हाँ जब मैं वापस आ जाऊँ तो ये कैट आप मुझे रिटर्न कर देना दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट बट क्योंकि वो मेरे नेबर्स हैं उन्होंने मुझसे मेरी कैट को संभालने के लिए कोई पैसे नहीं लिए सो दिस इज कंसिडर्ड एज ग्रेटिट्यूज बेलमेंट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं नंबर वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट दो पार्टीज के बीच होना चाहिए जिसे हम बेलर एंड बेली रेफर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड बन सकता है और बेली जिसे हमने गुड्स डिलीवर किया है उसके पास उस गुड्स के ऊपर राइट्स विल बी एज गुड एज द फाइंडर ऑफ गुड्स नंबर टू बेलमेंट की असेंशियल कंडीशंस है कि गुड्स डिलीवर या हैंडओवर किया जाना चाहिए फॉर अ टेम्प्ररी पीरियड जिसे डिलीवरी के वक्त गुड्स का पोजेसन तो चेंज हो जाता है फ्रॉम बेलर टू बेली लेकिन हाँ गुड्स की ओनरशिप अभी भी बेलर के पास है इनफैक्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी एक्चुअल और इवन कंस्ट्रक्टिव जैसे इफ़ यू हैव अ कार पार्कड इन योर ग्राज एंड यू आर हैंडिंग ओवर द कीज़ ऑफ दैट कार टू योर फ्रेंड ताकि वो एक शॉर्ट ट्रिप के लिए आपकी कार यूज़ करें एक्चुअल कार न देख के कार की कीज़ देना वुड बी कंसिडर्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नंबर थ्री कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स करने का हमेशा कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है फिर वो चीज़ को बनाने के लिए हो या संभालने के लिए हो नंबर फोर अब ये याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में गुड्स का मतलब होता है ओनली एंड ओनली मूवेबल गुड्स यानी बेलमेंट इमूवेबल गुड्स का नहीं किया जाता एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब वो स्पेसिफिक पर्पज जिसके लिए बेलमेंट किया है पूरा हो जाए तो बेली को गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा किसको बेलर को तो बच्चों ये था एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होप इट इज क्लियर नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में वी शाल अंडरस्टैंड द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेलर एंड बेली Well the notes on this topic is provided on my Telegram group of which the link is in the description below until we meet next time with the next video thank you everyone bye bye